रणथंभौर किला एक बहुत ही शानदार किला है जो राज्य के रणथंभौर में स्थित चौहान शाही परिवार से संबंध रखता है। यह शाही किला 12वीं शताब्दी से अस्तित्व में है। यह आकर्षक किला रणथंभौर नेशनल पार्क के जंगलों के बीच स्थित है, जहां पर नेशनल पार्क से किले का दृश्य और किले से पार्क का दृश्य दोनों ही देखने लायक है। रणथंभौर दुर्ग रणथंभौर नेशनल पार्क के बीच एक बड़ी सी चट्टान पर स्थित है। इस किले में एक बहुत विशाल सुरक्षा दीवार और 7 द्वार है, जिनके नाम नवलखा पोल, हाथी पोल, गणेश पोल, अंधेरी पोल, दिल्ली पोल, सत पोल और सूरज पोल है। रणथंभौर किला बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ है, जिसमें पत्थर के मजबूत मार्ग और सीढ़ियां है जो किले में ऊपर की तरफ लेकर जाती है। इस किले के बड़े गेट, स्तंभ और गुंबदों, महल और मंदिरों के साथ इसकी राजस्थानी वास्तुकला यहाँ आने वाले को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इस किले के अंदर हमीर सिंह के शासनकाल के दौरान बना एक महल भी स्थित है, जिसको हमीर पैलेस कहा जाता है। इस महल में एक कक्ष और बालकनी है जो छोटे पारंपरिक दरवाजों और सीढ़ी से जुड़े हुए हैं। इस 3 मंजिला इमारत में 32 खंभे हैं। किला परिसर के अंदर गणेश मंदिर भी स्थित है, जो यहाँ आने वाले भक्तों और पर्यटकों के बीच काफी प्रसिद्ध है। मान्यताओं की माने तो अगर कोई अपनी इच्छाओं को लेकर भगवान गणेश को पत्र लिखकर भेजता है तो उसकी इच्छाएं जरूर पूरी होती है। रणथंभौर किले के रहस्य और इतिहास की बात करें तो इस किले का निर्माण कब हुआ उसका सटीक समय आज भी अज्ञात है, जो आज तक रणथंभौर किले का भाष्य बना हुआ है। हालांकि कई पुरातत्वविदों का कहना है कि किले का निर्माण 10वीं शताब्दी में चौहान वंश के समय में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल के समय यह किला जैन धर्म से प्रमुख रूप से जुड़ा था। 1192 ईस्वी में इस किले पर मुस्लिम शासक मोहम्मद ने कब्जा कर लिया और पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हरा दिया। इसके बाद 1226 ईस्वी में किले पर दिल्ली शासक इल्तुतमिश ने कब्जा कर लिया था। 1259 में बलबन ने कई असफल प्रयासों के बाद जैत सिंह चौहान से किले पर कब्जा कर लिया। फिर 1283 में जैत सिंह चौहान के उत्तराधिकारी शक्ति देव ने किले को जीत लिया और इसके बाद राज्य का विस्तार भी हुआ।